हमें सपोर्ट करने के लिए क्लिक कीजिए सब्सक्राइब बटन और साथ ही क्लिक कीजिए बेल बटन आइकन को। स्वागत है आपका स्टडी कॉर्नर में। आज का जो टॉपिक है पदार्थ एवं रासायनिक सूत्र के लिए है। रासायनिक सूत्र को केमिकल फॉर्मूला कहते हैं। आपको बता दूं कि इसमें जो पॉइंट है धुआं सोडा, बेकिंग सोडा, भिरंजक चूर्ण, इस सब का हम लोग केमिकल फॉर्मूला देखने वाले हैं और इसको हमेशा के लिए माइंड में फिट करने वाले हैं। तो इसमें आपका सहयोग चाहिए। सहयोग ये होगा कि आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिए और हो सके तो लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर अच्छा लगेगा तो। शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते होंगे धुआं सोडा है। धुआं सोडा का जो फॉर्मूला होता है Na2CO3 10H2 होता है। मैंने क्या किया है कि H2O को पानी कर दिया है और जहाँ भी देख रहे होंगे पानी मतलब कि H2O। धुआं सोडा से स्पष्ट आपको फीलिंग दिख रही होगी धोने के लिए और धोने में आवश्यक रूप से पानी जरूरत होता है। बिना पानी का धोना मतलब कि एकदम संभव ही नहीं है, कैसे धोइएगा पानी ना रहे तो इसलिए इसमें पानी है। और चूंकि धोना है, मान लीजिए कपड़ा का लेते हैं, कपड़ा धोना है तो पानी तो ज़्यादा लगेगा, 10 बाल्टी लग जाएगा। अब बताते हैं कि Na2CO3 कैसे याद रखें। मैं आपको बता दूं कि अगर मैं एक लाइन बोलूँगा थोड़ा सा लालू यादव के अंदाज में, जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके आदमी बोले कि ए महाराज है न कपड़वा का धोइए, ए महाराज है न कपड़वा को धोइए, तो है न फोर एन ए और कपड़वा साइलेंट हो गया और को यानी कि सीओ। तो चूंकि धोना है तो ए महाराज है न कपड़वा को धोइए और धोने में पानी तो लगेगा ही 10 बाल्टी, तो Na4 Na2 और CO3। मैं आपको बता दूं कि ये 2 और 3 से बिल्कुल आप घबराएं नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम में जो रहता है वो हमेशा सही देता है। ऐसा आपका कन्फ्यूजन नहीं कराएगा कि यहाँ पे 3 डाल दे यहाँ पे 2 डाल दे, ऐसा कुछ नहीं होता, हमेशा सही देगा। और ऑप्शन देगा तो कुछ ऐसा ही, बेकिंग सोडा का एक फॉर्मूला डाल देगा, एक धुआं सोडा डाल देगा और इसी से मिलता जुलता मान लीजिए कोई एन एस रिलेटेड उस तरह का ऑप्शन डाल देगा, लेकिन ये इसमें छेड़छाड़ नहीं होता है। इसलिए आप निश्चिंत हो जाइए और एकमात्र चीज़ याद रखिए, हेने का मतलब अगर सोच रहे हो कि हेने मतलब क्या होता है तो मैं बता दूं कि ये भोजपुरी में हेने मतलब होता है और हिंदी का मतलब होता है एने मतलब इधर। तो हिंदी में अगर बात करें तो इधर इधर कपड़ा धोइए, इधर कपड़वा को धोइए, और भोजपुरी में ए महाराज हेने कपड़वा को धोइए ना। आगे बात करते हैं बेकिंग सोडा, जिसको बोलते हैं खाने वाला सोडा। ठीक है, खाने वाला सोडा को याद करना है, इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। इसमें H जो है कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये चूल्हा है, गैस वाला चूल्हा। देखिए इधर में एक मतलब कि चूल्हा खाना बनाने के लिए, एक इधर में चूल्हा खाना बनाने के लिए, इधर चूल्हा जैसा दिख रहा है, बिल्कुल चूल्हा ही है। मन में बना लीजिए क्योंकि खाने वाला सोडा है। और इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट और इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। इसमें सिर्फ बाई का अंतर है, क्योंकि बेकिंग है इसलिए बाई है और धोवन है तो सिर्फ कार्बोनेट है। फिलहाल हम लोग यहाँ कॉन्सेंट्रेट करते हैं फॉर्मूला पे। ठीक है, तो फिर से इसमें ए महाराज है ने खाना को बनाइए, इधर खाना को बनाइए हिंदी में बोले तो, नहीं तो हिंदी अगर भोजपुरी में बोलेगा तो है ने खाना फोर एच हो गया, खाना चूल्हा बनता है ना, है ने खाना को बनाइए खाना को, ये भी क्लियर हो जा रहा है। तो NaHCO3 निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि वीडियो के एंड में हम लोग इसका जो हम लोग का प्रूफ है, हम बोलते हैं ना कि प्रूफ के जरिए हम लोग देखते हैं कि याद हुआ है कि नहीं, टेस्ट करते हैं अपने आप को, तो वो होगा इस बार भी। तो आप इस वीडियो के एंड तक देखते रहिए। विरंजक चूर्ण है, विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला होता है CaCl2। अच्छा, एक दोस्त जो लंबी लंबी डिंग हाँक रहा था एक दिन पहले कि देखना मैं ये करके दिखा दूंगा, लेकिन आज नहीं करूंगा कल करके दिखा दूंगा, कल हुआ वो नहीं किया, तो जो दोस्त था वो क्या बोलेगा, कह रहे यार क्या हुआ कर ही नहीं पाया, तुम बहुत वीर बन रहे थे। अब जब फॉर्मूला के जरिए से देखिए का हो, कल तो बहुत वीर बन रहे थे विरंजक चूर्ण। अब थोड़ा फिर से तोड़ पड़ते ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, का हो कल तो बहुत वीर बन रहे थे, आज क्या हुआ बोल रहे थे ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वो करो वीरता सब कहाँ गई। तो ये हो गया का हो कल अतू का तो, का हो कल तो बहुत वीर बन रहे थे आज क्या हुआ। तो ये हो गया कितना आसानी से फॉर्मूला जो है पूरा सेंटेंस में कवर हो जा रहा है, तो ये आसान हो गया। आगे बढ़ते हम लोग जिप्सम है।
जिप्सम और प्लास्टर पेरिस का दोनों का सेम होता है, अंतर बस है इसमें, 2H2O होता है, हाफ H2O होता है। चलिए खैर हम लोग याद कर लेते हैं। याद ध्यान दीजिएगा, जीप है, जिप्सम में एक वर्ड है जीप, और जानते ही हैं कि जीप खरीदने के लिए कैश की ज़रूरत होती है, कैश यानी कि पैसे की ज़रूरत होती है। तो आपको सिर्फ इतना कैश याद रखना है, बाकी आप जैसे ही CAS बोलिएगा ऑटोमेटिक आपके जुगान पर CSO4 आ जाएगा, एकदम निश्चिंत रहिए। ठीक है, तो कैश के जीप खरीदने के लिए कैश की ज़रूरत होती है, इसलिए कैश यानी कि CSO4। ओके, इसमें भी CSO4 यानी कि बता दो कि पेरिस है ना, पेरिस तो मतलब कि बाहर से थोड़ा दूर पड़ता है घूमने के लिए, इसमें भी कैश की ज़रूरत होती है, अच्छी खासी कैश की ज़रूरत होती है। तो पेरिस घूमने के लिए कैश की आवश्यकता है, जीप खरीदने के लिए भी कैश की आवश्यकता है, कैश यानी कि पैसे की। तो ये दोनों से कैश, कैश फॉर CSO4 और ये भी CSO4। चलिए अब बात करते हैं कि किसमें 2H2O और हाफ H2O किसमें। इसमें देखिए, इसमें सम है, सम माने होता है इवेन नंबर, और सम नंबर का शुरुआत कहाँ से होता है, दो से, तो ये हो गया दो। और हाफ याद करना है, हाफ पानी यानी हाफ H2O। यहाँ देखिए प्लास्टर हाफ पेरिस, तो एकदम क्लियर है, यहाँ पे हाफ लगा हुआ यानी कि हाफ H2O, और सम है तो इसलिए सम H2O यानी कि 2H2O। कितना आसानी से हो गया, कैश चाहिए कैश यानी CSO4, पेरिस जाने के लिए भी कैश चाहिए तो CSO4, हाफ है तो हाफ H2O, सम है तो 2H2O। क्लियर है, एकदम बिल्कुल निश्चिंत रहिए। चलिए अब आगे देखते हैं। अब है संगमरमर, संगमरमर का होता है CaCO3। ठीक है, संगमरमर जानते हैं कि ताजमहल जो है संगमरमर का बना हुआ है। ठीक है, तो हम लोग घूमने जाते हैं संगमरमर, और देखना, सी का मतलब होता है देखना, SEE का बात कर रहे हैं हम, तो दोनों का प्रोनाउंसिएशन देखिए, वो SEE का सी पढ़ते हैं और यहाँ पे ABCD का ये भी सी ही है, तो क्यों ना हम वो देखने वाला बात करके देखते हैं। तो ताजमहल देखने जाते हैं तो अपने दोस्तों को बोलते हैं, देखो ए देखो ताजमहल संगमरमर का बना हुआ है, तो दोस्त क्या बोलते हैं, ओ तेरी की, हाँ यार तो संगमरमर का बना हुआ है। देखिए, देखो ए देखो सी ए सी, ताजमहल देख यार संगमरमर का बना हुआ है, तो दोस्त बोलता है ओ तेरी की, हाँ यार संगमरमर का बना हुआ है। तो CAC और ओ तेरी की, ओ थ्री तेरी थ्री, तो ये मतलब फिर से आपका सेंटेंस हुआ, और मुझे फॉर्मूला में सेंटेंस दिखा, मैं आपके समक्ष बता रहा हूँ, आपको विश्वास है, मुझे तो पूरा विश्वास है कि आप बता पाइएगा, निश्चिंत रहिए। तो सी मतलब कि क्या देखना है, तो ताजमहल देखना है क्योंकि संगमरमर है, तो CAR देख, सी मतलब देख, ए देख, और देखता है तो बोलते हाँ यार ओ तेरी की, हाँ यार मतलब कि ताजमहल जो है संगमरमर का बना हुआ है। तो ये हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। बॉक्साइट, बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है Al2O3 2H2। एक कल्पना कीजिए कि यह आमिर खान का बेटा जो है छोटा सा है, और बेटा जो उनको मतलब कि छुप गया है एक बॉक्स में, बॉक्स में जाकर के छुप गया, बॉक्स तो बड़ा होता है, देखते हैं बॉक्स बड़ा है उसमें जाकर उनका बेटा छुप गया। आमिर खान को पता नहीं रहता कि बॉक्स में उनका बेटा है, जैसे ही बॉक्स खोलते हैं तो उसमें से उनका बेटा निकलता है, तो उनका आवाज़ निकलता है, अले तू ओ तेरी की, तू बॉक्स में छुपा हुआ है। देखिए यहाँ पे अले तू, देखे आले, आले मतलब अल्मोनियम हो गया और तू यानी कि टू हो गया, आमिर खान का तो डायलॉग जानते हैं, ओ तेरी की ज़्यादा बोलते हैं, ज़्यादातर वो ओ तेरी की बोलते हैं, तो अले तू ओ तेरी की, छोटे से बच्चों से सब लोग तोतली आवाज़ में बोलते ही हैं। तो ये बॉक्स में उनका बेटा छुपा, और बेटा को देख करके वो चौंक गए और बोलते अले तू ओ तेरी की, ये हो गया Al2O3। और बाकी 2H2 ये उतना आवश्यक नहीं है, आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आपका ऑप्शन से दिख जाएगा, इतना आप ध्यान दीजिएगा Al2O3। आगे है अब क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का है CHCl3। ये बहुत ही आसान है फ्रेंड, मैं बता दूं कि ये, इसमें मैं ट्रिक नहीं बताऊंगा, एक्चुअली आप बता ही देते हैं कि यहाँ पे जब भी CH यहाँ पे क्लोरीन है इसलिए क्लोरोफॉर्म हो गया, वही अगर यहाँ पे आयोडीन होता, मान लीजिए कि आयोडीन रहता तो ये आयोडोफॉर्म हो जाता, और वहीं यहाँ पे अगर मान लीजिए कि ब्रोमिन रहता BR तो ये हो जाता ब्रोमोफॉर्म। इस तरह से जब भी मतलब कि आपके समक्ष जो भी रहे, CL है यहाँ पे फिलहाल, तो CL यानी कि हो गया क्या, क्लोरोफॉर्म, ये फॉर्मूला ही है, याद रखिए क्योंकि एक C के चार जो बॉन्ड बनता है इसका, तो एक ऊपर में H हो जाएगा, बाकी तीन बच जा रहा है, तो तीन जो है CL और नीचे भी CL, तो ये हो जाएगा क्लोरोफॉर्म, याद रखिएगा। I रहे तो आयोडोफॉर्म, BR रहे तो ब्रोमोफॉर्म, इस तरह से। ठीक है, आगे बात करते हैं। मिक,
मिक का होता है सी एच थ्री सी एन, सी एच थ्री सी एन, और ये भी याद करना, मतलब कि एक छोटा सा रह जा रहा है और इसे मैंने छोड़ा नहीं है, फिर मैंने इसका ट्रिक भी नहीं बनाया, तो ये समक्ष आपके समक्ष मैं छोड़ देता हूँ, आप इसका जो करिए, हो सकता है अगर ट्रिक बन जाए तो कमेंट में जरूर बताएंगे। तो ये रही मेरी कोशिश आज की, और मुझे आशा है कि पूरा आपको याद हो गया है। तो चलिए चेक किया जाए, और वापस जो मैंने क्वेश्चन लिखा था ऊपर में, मैं वही ले जाता हूँ, और चलिए इसका देखा जाए आंसर होता है कि नहीं। जिप्सम है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है आप ही बताइए। जिप्सम ये तो नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया था जीप को खरीदने के लिए कैश क्या हो सकता है, तो कैश ये सी ए सी तो बिल्कुल नहीं है, देखो ये देखो वाला बात है, यहाँ पे कैश इसमें है, इसमें भी कैश है, तो इन्हीं दोनों में से कोई होगा। अब मैंने कहा था कि सम है, सम यानी कि सम पानी होगा, तो ये हो गया सम पानी, बिल्कुल यही वाला आंसर होगा, इसको यही आंसर होगा, सी एस ओ फोर टू एच टू ओ। चलिए बात करते हैं बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र। बॉक्साइड, बॉक्साइड बॉक्स में आमिर खान का बेटा छुपा था, तो आमिर खान का बोला था अले तू ओ तेरी की, तो अले तू कहाँ है, अले तू ओ तेरी की, तो फिर से हम लोग का आंसर आसानी से मिल गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना आसानी से हम लोग का याद हो चुका है, और सब कुछ हम लोग आंसर देते जा रहे हैं। चलिए आगे, धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। धोवन यानी कि धोना है, और लाल जादव क्या बोलते हैं, अरे एन का प्रभाव का दो ही है ना, एन ए एन ए फोर एन ए, देखिए एन ए तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये यहाँ पे भी है, ठीक है। तो अब जरा देखते हैं, एन ए कपारवा को धोइए, तो ये चूल्हा तो नहीं आएगा, ठीक है, तो एन ए ये भी चूल्हा, ये देखिए सेम सेम ऑप्शन हो गया, तो इसको छोड़ ही दीजिए। एन ए कपारवा साइलेंट, तो एन ए कपारवा को धोइए, और धोने में तो पानी की जरूरत पड़ती है, इसलिए 10 बाल्टी पानी, तो यहाँ पे इसका ये आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होगा। विरंजक चूर्ण में वीर लगा हुआ है, और जब वो काम नहीं कर पाया था तो हम लोग बोले थे ना कि का ओ कल तो बहुत वीर बन रहे थे, तो देखिए ये रहा का ओ कल, तो चूंकि यहाँ पे सी एल, सी एल दो को अलग किया हुआ है, यहाँ पे सी एल टू भी लिखा जा सकता है, ठीक है, तो सी ए सी सी ए ओ सी एल टू, तो ये हो जाएगा का ओ कल तो बहुत वीर बन रहे थे, बिल्कुल यही आंसर होगा इसका, वीर बन रहे थे। आगे संगमरमर, संगमरमर का मैंने बताया था कि दोस्त के साथ गया, तो ताजमहल तो संगमरमर का बना हुआ है, तो क्या बोलता है कि दोस्त है कि देखो ए देखो कहाँ है, देखिए देखो ये देखो सी ए, सी ए तो नहीं है, सी एस है, ए भी नहीं है, ई भी नहीं है, और देखो ए देखो ओ तेरी की ताजमहल संगमरमर का बना हुआ है, तो हम लोग का ये आंसर हो गया। आप और भी चेक कर सकते हैं जितना भी ऑप्शन मिले, तो कैसा लगा दोस्त कमेंट में अपना जो भी विचार हो, व्यू हो, वो अपना प्रदर्शित करें, अपना लाइक जरूर कीजिए दोस्त, और जितना हो सके अपने दोस्तों तक पहुंचाइए हमारे इस जीके ट्रिक को, ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले सकें। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्त, ओके जय हिंद।